ट्विन सिटी में इन दिनों निजी अस्पतालों में लापरवाही के साथ मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर पैसों की उगाही कर पीड़ित परिजनों को परेशान करने के मामलों सहित बीएमएस डिग्री प्राप्त डॉक्टर ट्रेनियों द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से संचालित अस्पताल में अपनी सेवाएं देने की जानकारी मिली है, जिस पर संज्ञान लेते हुए दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट के तहत अधिकारियों ने संबंधित अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दुर्ग जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला के द्वारा एक नए मामले का खुलासा करते हुए बताया गया कि उनके पास मीडिया सहित विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से दुर्ग शहर सहित जिले में बीएमएस डॉक्टर के द्वारा एलोपैथिक अस्पतालों का आयुष्मान कार्ड से अधिमान्यता प्राप्त करने के बाद एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिसके 2-3 शिकायतें दुर्ग जिला नोडल अधिकारी के पास पहुंची हैं। गौरतलब है कि विगत 1 वर्षों से दुर्ग शहर सहित जिले में नर्सिंग होम से जुड़ी नर्सिंग एक्ट से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं सहित लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में अब एक नए मामले का खुलासा हुआ है, जहां दुर्ग शहर में संचालित राजवंशी अस्पताल इसके संचालक बीएमएस डॉक्टर बताए जाते हैं। वहीं इसके साथ ही कुछ ऐसे भी भिलाई के गायत्री हॉस्पिटल में बीएमएस छात्रों द्वारा इंटर्नशिप किया जा रहा है, जो कि एलोपैथिक से संचालित अस्पताल है, वहां पर कार्य कर रहे हैं। इसकी जानकारी दुर्ग जिला नोडल अधिकारी को मिली और उन्होंने वहां पर अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया और तत्काल कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया। इसको और अच्छे से गंभीर होकर के अगर बहुत ज़्यादा संवेदनशील मामला तो उसकी हम जांच करते हैं, और जांच करने में अगर तथ्य हमको मिल जाएगा तो जो भी प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रखेंगे। वहीं पिछले दिनों इसी तरह की लापरवाही पाए जाने पर जिला नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला ने डॉक्टर बलजीत कौर स्त्री रोग विशेषज्ञ श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट से स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण पुनः जवाब प्रस्तुत कर नोटिस जारी किया गया। वहीं भिलाई स्थित गायत्री हॉस्पिटल और दुर्ग में स्थित गंगोत्री हॉस्पिटल को मरीज तौकीर आलम के उपचार के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका जवाब भी संतोषप्रद नहीं होने पर दोबारा नोटिस जारी किया गया है। वहीं इस संबंध में दुर्ग जिला नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला ने अपनी जानकारी भी दी है। वो विगत दिनों जो है हमने एक औचक निरीक्षण किया था टीम के साथ, उसमें गंगोत्री हॉस्पिटल जो कि ओम परिसर दुर्ग में है, और दूसरा गायत्री हॉस्पिटल भिलाई पे, और तीसरा जो है वो चूंकि आरोग्यम हॉस्पिटल में जब जांच कर रहे थे उसमें बहुत सारे परत पे परत खुल करके आ रही थी। उसमें एक इश्यू ये भी था कि शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में, शंकराचार्य हॉस्पिटल में एक प्रसूता जो एडमिट हुई थी वहाँ पर बच्चे को जन्म दी थी, उसके बाद जो है वो रेफर किया गया उसको, जबकि उसको आरोग्यम में रेफर किया, जबकि शंकराचार्य हॉस्पिटल में 16 डायलिसिस मशीन है, यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, सभी तरह की व्यवस्था थी, उसके बावजूद भी ये एक कहीं नहीं संदिग्ध मामला लगता है। उसके लिए हमने जो बलवीत कौर थी जो वहाँ पे जाकर के देखी थी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो रेफर किस वजह से हुआ, ऐसा क्या अभाव था शंकराचार्य हॉस्पिटल में। तो कहीं ना कहीं 2 बार हमने नोटिस दिया, उसको घुमा फिरा करके लीपापोती करके जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हमने उनको अंतिम एक कड़ा चिट्ठी लिखा है, और उस चिट्ठी में हमने स्पष्ट रूप से कुछ बिंदुओं पे हमने उनसे जवाब मांगा है। अगर वो संतोषप्रद नहीं होगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आपको पता होगा कि अभी हमने जब औचक निरीक्षण किया था गंगोत्री अस्पताल में भी कोई MBBS डॉक्टर नहीं थे, और जो गायत्री हॉस्पिटल भिलाई पे वहाँ पे हमने 8 बजे रात्रि को औचक निरीक्षण किया था टीम के साथ, हमने पाया कि वहाँ पे 13 मरीज एडमिट थे, उसके बावजूद भी वहाँ पे 2 BMS डॉक्टर, जिसमें कि एक जो है वो इंटर्नशिप कर रही राजीव लोचन थे। ये काफ़ी गंभीर मामला है, और कहीं ना कहीं आयुष्मान से भी वहाँ पे नगद राशि ली गई, आयुष्मान का वहाँ उनको लाभ नहीं दिया गया, तो आयुष्मान से भी वो कहीं ना कहीं एक तरह से उसको गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, और नगद राशि मरीजों से ले रहे जो उनको लाभ मिलना चाहिए। तो दोनों में कार्रवाई करने का इसमें पूरा, अगर उनका जवाब हमको संतोषप्रद नहीं रहा तो कार्रवाई करने का पूरा इसमें आधार बनता है, और प्रक्रिया का पूरा पालन करके हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मीडिया के माध्यम से लगातार हमको अभी ये समाचार मिल रहा है कि कई जगह ऐसे हॉस्पिटल खुले हुए हैं जहाँ पे MBBS डॉक्टर न करके BMS डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, और आयुष्मान से उससे नगद भी ले रहे हैं, और आयुष्मान का उनको लाभ नहीं दिया जा रहा। ये जाँच का विषय है, इसके बारे में हम
गंभीर है और टीम के साथ हम ये कार्रवाई आगे भी जारी रखेंगे। बहरहाल जिस तरह से शहर में स्थित निजी अस्पतालों की लापरवाही और आयुष्मान कार्ड का खेल उजागर हो रहा है, तो अब देखना होगा कि इस मामले में दुर्ग कलेक्टर या जिला प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई कर आम जनता को राहत पहुंचाते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।